नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार शिक्षक नियुक्ति के अपियरिंग अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना। उत्तर बिहार में मॉनसून मेहरबान, धान की रोपनी हुई शुरू। सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार में दिसंबर तक घरेलू उपभोक्ता करेंगे 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन। भारतीय टीम में चयन पर मुकेश कुमार का बयान आया सामने। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार शिक्षक नियुक्ति के अपियरिंग अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना। अगर आप भी बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी बीएड और सीटेट परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनके 3 में से 1 अवसर काउंट हो जाएंगे। बता दें कि इस बात की जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जुलाई में बीएड और सीटेट दोनों में शामिल होने वाले टीआरई उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ये परीक्षा आयोजित हो 31 अगस्त 2023 से पहले। हालांकि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनका 3 में से 1 मौका समाप्त हो जाएगा, भले ही उनका कोई भी मौका हो इन परीक्षाओं को पास करना या न करना। बिहार में फिर एक बार धसा पुल। कुछ सप्ताह पहले ही बिहार में अगुवानी पुल गिरा था, वहीं अब एक और पुल के धसने की खबर सामने आ गई है। बता दें कि पुल बनकर लगभग तैयार हो गया था, लेकिन पुल नीचे धस गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पुल एनएच पर बनाया जा रहा था, वहीं अब इस पुल के धसने से एक बार फिर से राज्य में पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। मालूम हो कि इस पुल का निर्माण किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत एनएच 327E पर मेची नदी पर किया जा रहा था, लेकिन पुल का पाया नीचे से धस गया, जिस वजह से लगभग तैयार हो चुके पुल के बीच का हिस्सा नीचे की ओर झुक गया। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण जीआर इन्फ्रा के द्वारा किया जा रहा था। बक्सर में इस दिन लगेगा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के बक्सर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर स्थित संयुक्त श्रम भवन में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान तथा जिला नियोजनालय के सहयोग से 26 जून को एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार शिविर में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। इसके साथ ही वे उम्मीदवार जो 12वीं पास, ग्रेजुएशन, ITI, MBA, MCA एवं डिप्लोमा पास है, वो भी इस रोजगार शिविर में भाग ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रोजगार शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। उम्मीदवार इस शिविर में भाग लेने के लिए अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों जैसे आधार कार्ड, बायोडाटा इत्यादि डॉक्यूमेंट्स के साथ इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अक्षय आनंद सन्नी को मैथिली कविता संग्रह के लिए मिला साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार। इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मैथिली में युवा साहित्यकार अक्षय आनंद सन्नी को दिए जाने की घोषणा की गई है। बता दें कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा दी जाती है। मालूम हो कि अक्षय आनंद सन्नी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए दी जा रही है। उन्हें वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी उनको इस कविता के लिए वर्ष 2018 में मैथिली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति मधुमनी द्वारा नव हस्ताक्षर पुरस्कार और वर्ष 2020 में मैथिली साहित्य महासभा नई दिल्ली द्वारा मौसम युवा सम्मान प्राप्त हो चुका है। वहीं पुरस्कार की घोषणा के बाद खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मान या पुरस्कार आपकी चुनौतियों को बढ़ा देता है। सम्मानित होने के बाद लोगों को आपसे उम्मीदें बढ़ जाती है, जिस पर खरा उतरना आसान नहीं होता। यह पुरस्कार मेरे अंदर की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा दिया है। नालंदा भ्रमण के लिए पहुंचे G20 सम्मेलन में शामिल हुए डेलीगेट्स। बता दें कि आज यानी कि शनिवार को सभी डेलीगेट्स नालंदा भ्रमण के लिए पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत बिहारी परंपरा के साथ किया गया। वहीं सभी डेलीगेट्स को मधुबनी पेंटिंग किया हुआ अंग वस्त्र प्रदान किया गया और साथ ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भग्नावशेष के मुख्य द्वार पर जीविका कर्मी, CDPO कार्यालय के कर्मी व शिक्षा विभाग के कर्मियों ने सभी मेहमानों को तिलक लगाया और माला पहनाया। वहीं इस दौरान G20 सम्मेलन में शामिल एक भारतीय डेलीगेट की तबीयत नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में घूमने के दौरान बिगड़ गई। दरअसल इस दौरान भारतीय डेलीगेट की तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर परिसर में गिर गए, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया और डॉक्टरों के द्वारा उनकी जांच पड़ताल की गई। बता दें कि हम जिस भारतीय डेलीगेट की बात कर रहे हैं, उनका नाम प्रोफेसर S. मेहरोत्रा है और वे मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वे UK में रह रहे हैं।
उत्तर बिहार में मॉनसून मेहरबान, धान की रोपनी हुई शुरू। लंबे इंतजार के बाद उत्तर बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बीते 24 घंटे के भीतर बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी और मधुबनी में कई जगहों पर बारिश हुई है, जिससे कि किसानों के बीच खुशी का माहौल छा गया है। सूख रहे खेतों में किसानों के द्वारा धान की रोपनी शुरू कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में और भी अच्छी बारिश हो सकती है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण जिले में हुई बारिश की वजह से गन्ना, सब्जी और धान के बिचड़े को फायदा हुआ है। वहीं किसान भी धान रोपने के लिए खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। इसके अलावा कई किसान बीज गिराने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि अब भी कई प्रखंड ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में दिसंबर तक घरेलू उपभोक्ता करेंगे 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि राज्य में दिसंबर 2023 तक 10 मेगावाट की सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अब तक राज्य में कुल 4,439 घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा 14.5 मेगावाट के सौर पैनल्स लगाने के लिए आवेदन किए गए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 4,439 उपभोक्ताओं में से 513 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके घरों में पैनल लगा दिए गए हैं, जिससे कि उनकी बिजली उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट से अधिक हो गई है। वहीं सौर पैनल लगाने के लिए निर्धारित शुल्क को 731 उपभोक्ताओं के द्वारा जमा कर दिया गया है। बिहार को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। बहुत जल्दी बिहार को पहला वंदे भारत ट्रेन मिलने वाला है, लेकिन इन सबके बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। दरअसल यह दूसरा वंदे भारत ट्रेन बिहार के सीमांचल से यूपी के बीच चलाया जा सकता है। इसके लिए कटिहार रेल मंडल के अधिकारियों की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब बहुत जल्द ही इस पर रेलवे बोर्ड की ओर से अहम फैसला लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर यह ट्रेन चलती है तो कटिहार, अररिया, पूर्णिया के अलावा बिहार के अन्य जिलों को भी फायदा मिलने वाला है। वहीं सबके साथ ही यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि वंदे भारत ट्रेन के रैक मेंटेनेंस का काम कटिहार के ओल्ड बीजी यार्ड में किया जाएगा। वहीं ओल्ड बीजी यार्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च आने वाले हैं। पटना साहिब पहुंची पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक समाप्त हो चुकी है। ऐसे में विपक्षी दलों के सभी नेता अपने अपने राज्य वापस लौट चुके हैं, लेकिन पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपने बिहार दौरे को खास बनाने में व्यस्त है। बता दें कि एक तरफ जहां बीते गुरुवार को वह राजगीर और बोधगया पहुंची थी, जहां उन्होंने राजगीर में कश्मीर के अंतिम शासक यूसुफ शाह के मजार पर चादर पोशी की थी और फिर बोधगया में महाबोधि मंदिर का दर्शन किया था, तो वहीं आज वह बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटना साहिब पहुंची, जहां उन्होंने मत्था टेका। इस दौरान महबूबा मुफ्ती को प्रबंधन कमेटी के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जीवनी को भी दिखाया गया और फिर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप प्रबंधन कमेटी की ओर से सरोपा भी भेंट किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बीते दिन विपक्षी बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि अरविंद केजरीवाल नाराज चल रहे हैं। वहीं अब इस कयास पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा आज यानी कि शनिवार को हवाई अड्डे पर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को कोई नाराजगी नहीं है, सारी बातें हो चुकी है, किसी को कुछ कहना नहीं, बहुत ही अच्छी मीटिंग रही है। उन्होंने कहा कि अब अगली बैठक शिमला में होगी, उसके बाद कैसे क्या रणनीति बनेगी उस पर प्रोग्राम बनेगा। हम लोग जनता के हित के लिए एकजुट हुए हैं, ऐसे में भाजपा नेताओं की बातों का कोई मतलब नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक के बाद कांग्रेस का बीजेपी को लेकर बड़ा बयान। विपक्षी एकता की बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में लगातार बयानबाजी चल रही है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल बिहार कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन राजेश राठौर के द्वारा कहा गया कि बीजेपी को महागठबंधन की कोई भी गतिविधि कारगर नहीं दिखती। बीजेपी पहले बैठक होने पर सवाल खड़ा कर रही थी और अब बैठक के मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सवाल खड़े करने से विपक्षी एकता की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही राजेश राठौर के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा गया कि वे बैठक में शामिल हुए हैं और विपक्षी एकता के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल को साथ देने का काम विपक्षी दल के द्वारा वक्त आने पर किया जाएगा। अमित शाह का दावा मतलब बीजेपी की हार। ललन सिंह
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि वह लोग क्या इमरजेंसी की बात करेंगे, उससे बदतर हालत तो आज हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर आज भाजपा के खिलाफ कोई बोलता है तो उन पर ईडी और सीबीआई की रेड हो जाती है। इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी ने ईडी सीबीआई और आईटी का प्रयोग नहीं किया था, हम लोग भी जेल में थे, लेकिन आज तो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, सारे संस्थाओं को नियंत्रित कर पॉकेट में रख लिया गया है। आज की स्थिति इमरजेंसी की स्थिति से भी बदतर है, पूरे देश का लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। विपक्षी एकता की बैठक में सभी ने भाजपा को हटाने का निर्णय लिया है। अमित शाह जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 300 से अधिक सीट जीतकर सत्ता में आएगी, तो इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन तक गिनती होगी उस दिन सुबह सवेरे ही बीजेपी की पार्टी बन जाएगी और उन्हें केवल 53 सीट मिले थे। मंत्री विजय चौधरी के साले के घर से आईटी की रेड में मिले करोड़ों रुपए और लाखों की ज्वेलरी। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के साले अजय कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह के यहाँ टैक्स हेराफेरी के मामले में पिछले दो दिनों से चल रहे आयकर की छापेमारी में अब तक 1 करोड़ कैश, 50 लाख की ज्वेलरी और 25 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस के बिल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आयकर की टीम के द्वारा कई तरह के दस्तावेज को भी जब्त किया गया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक कारू सिंह के बेगूसराय आवास पर और पूर्णिया स्थित जेसीबी शोरूम में आईटी की रेड जारी थी। बता दें कि अब तक आईटी के द्वारा अजय कुमार उर्फ कारू सिंह के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मालूम हो कि टैक्स विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान एक दर्जन से अधिक बैंक खाते, वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज और कई जगह पर जमीन जायदाद के कागजात भी बरामद किए गए हैं। भारतीय टीम में चयन पर मुकेश कुमार का बयान आया सामने। बिहार के लाल और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट और वनडे टीम में चयन कर लिया गया है। वहीं इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद उन्होंने कहा कि कहते हैं ना कि अगर आप टेस्ट नहीं खेलो तो क्या खेले, मेरा सपना अब मेरे सामने है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा यहां होना चाहता था, भारत के लिए टेस्ट खेलना चाहता था और आखिर मैं अब टीम में शामिल हो गया। बता दें कि मुकेश को टीम में जगह मिलने पर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से उन्हें बधाई दी गई। कैब अध्यक्ष स्नेहा सर कांगली ने कहा कि कैब की ओर से मैं मुकेश को बधाई देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वह पिछले दो सत्र में काफी निरंतर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि अगर उसे अंतिम एकादश में खेलने का मौका मिलता है तो वह काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेंद्र पांडे, नुन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, सचिन कुमार, कुमारी संजना, उमेश कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, पीके पासवान, कमलेश शर्मा, उमेश ऋषिदेव, नौसद अंसारी, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकिशोर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बारिश की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।